तो चलिए दोस्तों अभी ट्राई करते हैं इस अनार को, जो कि आता है स्टैंडर्ड कंपनी की तरफ से, और इसको लगाने वाले हैं अभी आग और देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं इसकी किस तरीके से ये नज़ारा देखने को मिलता है और कितनी हाइट तक जाता है। तो चलिए दोस्तों लगाएं इसको आग। दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर से चिंगारियां काफ़ी ज़्यादा निकली थी, अंगारे से, कुछ शोले से कह लीजिए आप। ये इधर देख सकते हैं आग भी लग चुकी है इसकी वजह से, यहाँ पे काफ़ी अच्छा था दोस्तों। ये देख सकते हैं इसको भी अभी तक आग लगी हुई है। काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिला हमारे पास, इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो है चिंगारियाँ निकली यहाँ पर नार की। काफ़ी अच्छा है दोस्तों, स्टैंडर्ड कंपनी का नार ही है हमारे पास। हाँ तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैजिक पेंसिल है, जो कि मुर्गा छाप की तरफ से आती है। तो अभी इसको आग लगाते हैं और देखते हैं किस तरीके से नज़ारा हमें देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी पेंसिल थी मैजिक पेंसिल, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मुर्गा छाप की तरफ से आती है ये, और इतनी सी बच जाती है, बाकी हमारे पास पूरी की पूरी चल जाती है। ये हाथ में पकड़ने के लिए होती है इसे। तो दोस्तों हम करने वाले हैं ये मुर्गा छाप की तरफ से आने वाली इस चक्करी की टेस्टिंग। तो चलिए दोस्तों इस चक्कर को लगाता हूँ आग और देखते हैं ये चक्कर हमारे पास कितने जो है टाइम तक चलती है। तो चलिए कुछ इस तरीक़ों से रख देते हैं इसको यहाँ पे और लगाते हैं इसको आग। तो नज़ारा दोस्तों देख सकते हैं, ये कुक ब्रांड की थी हमारे पास चक्री, जो कि काफ़ी टाइम तक चली है हमारे पास। ये आपको बता दूं कुक ब्रांड की चक्रियाँ जो भी होती हैं काफ़ी समय तक चलती हैं, कुक ब्रांड का जो भी पटाखा हो, ये हमारे पास काफ़ी अच्छी चल गई। ये थी कुक ब्रांड की, ये तकरीबन आपको एक 20-12 से 13 रुपये का पड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी ट्राई करते हैं इस वाले पटाखे को, तो देखते हैं किस तरह से हमें नज़ारा देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों मैं लगाता हूँ इसको आग। तो देख सकते हैं दोस्तों ये किस तरह से हमें नज़ारा देखने को मिला इस वाले पटाखे के अंदर से। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास है बनी ब्रांड की तरफ से आने वाला ये पोगो ग्रीन स्काई शॉट, जो कि एन कंपनी की तरफ से आता है और ब्रांड है दोस्तों बनी ब्रांड। तो चलिए दोस्तों इस स्काई शॉट को लगाते हैं आग और देखते हैं इस वाले स्काई शॉट के अंदर से किस तरीके से हमें नज़ारा देखने को मिलता है। तो नज़ारा दोस्तों काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, ये देख सकते हैं स्काई शॉट, ये पूरा का पूरा चल चुका है हमारे पास, और ये बनी ब्रांड वाला था। इसके अंदर से थोड़ा सा धुआं अभी भी निकल रहा है, काफ़ी अच्छा स्काई शॉट था और काफ़ी ऊंचाई तक भी गया। हाँ तो फ्रेंड्स हम टेस्ट करने वाले हैं इस छोटे वाले अनार को, देखते हैं ये छोटा अनार कितना अच्छा चलता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं अभी आग और देखते हैं नज़ारा किस तरह से देखने को हमें मिलता है यहाँ पे।
तो नज़ारा दोस्तों देख सकते हैं, छोटा अनार कितना ठीक ठाक सा चल गया। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, जलकर बिल्कुल स्वाह हो चुका है यहाँ पे, और आग इसके अंदर से काफ़ी अच्छी देखने को हमें मिली, काफ़ी अच्छी आग इसके अंदर से लपटें जो है वो निकलती हैं उसी प्रकार निकल रही थी। छोटा अनार था काफ़ी अच्छा। तो चलिए दोस्तों अभी ट्राई करते हैं इस को, हमारे पास ये देख सकते हैं फुलझड़ी है, इसको आग लगा के देखते हैं किस तरीके से नज़ारा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों इसको आग लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों साथ में ये क्रैकलिंग है, इसको भी आग लगाएं। ये देख सकते हैं क्रैकलिंग किस तरीके से चली हमारे पास, और ये हमारे पास फुलझड़ी है दोस्तों जो कि काफ़ी टाइम तक चलेगी, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों अभी जो हम इस फुलझड़ी से एक और क्रैकलिंग को टेस्ट करेंगे, नज़ारा किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, तो चलिए इस वाली को टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास बुलेट बॉम्ब की तरह आने वाला क्रैकलिंग, जो कि देख सकते हैं चिटपुट की तरह। और ये हमारे पास फुलझड़ी, ये देख सकते हैं अभी भी जल रही है, ये देख सकते हैं काफ़ी टाइम तक चली हमारे पास ये फुलझड़ी।